शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में राहत नहीं मिली है। जज वीवी पाटिल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। इसी दिन आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पर अपराधों और कश्मीर में नागरिकों की हत्या को स्पॉन्सर करना जारी रखा तो सर्जिकल स्ट्राइक आगे भी हो सकती है। अपने गोवा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान ये बातें कहीं। पंजाब सहित कुछ राज्यों में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सियासत जारी है। केंद्र के इस फैसले का पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने स्वागत किया तो पंजाब कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। देश के पावर स्टेशन में कोयले की कमी के बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी गुरुवार को झारखंड के चतरा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में सीसीएल रांची की अशोक ओपन कास्ट कोयला खदान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बारिश के चलते कोयले की कमी थी और कोयले का आयात बंद हो गया था, लेकिन अब हम 2 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पुरानी लोक कथाओं में ऐसे लालची कुशासन की कहानी होती थी जो अंधाधुंध टैक्स वसूली करता था। पहले जनता दुखी हो जाती है, लेकिन अंत में जनता ही उस कुशासन को खत्म करती है। असलियत में भी ऐसा ही होगा। अपनी रथ यात्रा पर निकले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर देहात पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के चुनावों में एसपी 400 सीटें जीत सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाना है। केंद्र सरकार ने गर्भपात संबंधी नए नियम को नोटिफाई किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी नए नोटिफिकेशन में अब कुछ खास मामलों में गर्भपात की सीमा 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्ते यानी कि 5 महीने तक कर दी गई है। लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलने के मामले की जांच कर रही एसआईटी गुरुवार केस के मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को घटनास्थल पर लेकर गई और क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करवाया। किसानों को कुचलने के लिए पुलिस ने उनकी जगह पुतलों का इस्तेमाल किया। छठ पूजा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने मांग की है कि छठ पूजा सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति दी जाए। दिल्ली सीएम ने अपने पत्र में लिखा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहतर है, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ पूजा की अनुमति देनी चाहिए। लगातार छठवें दिन घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी 50 रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हुआ। ऑटो को छोड़ सभी सेक्टर में जोरदार खरीदारी से गुरुवार को सेंसेक्स पहली बार 61,000 के पार और निफ्टी भी पहली बार 18,300 के ऊपर बंद हुआ।